आज महामेट्रोसह पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसाठी महत्वाचा दिवस आहे. महामेट्रोची पिंपरी चिंचवड ते वणाजपर्यंत आज योग्य रीतीनं ट्रायल झाली आहे. मेट्रोचं 95% काम पूर्ण झालंय. पुढच्या 1-1.5 महिन्यात उरलेलं काम पूर्ण होईल. यानंतर कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टीचे सर्टिफिकेशन होईल. यानंतर नागरिकांना मेट्रो खुली होणार आहे. या संदर्भातील माहिती महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित यांनी दिली आहे. 2022 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2022, और बहुत ही ऐतिहासिक दिन हुआ है महामेट्रो के लिए भी और पुणे पिंपरी चिंचवड जिनको अपन ट्विन सिटीज बोलते हैं उनके लिए भी. आज पहली बार हम लोगों ने पिंपरी चिंचवड़ से सिविल कोर्ट शिवाजी नगर होते हुए कोथरूड बनास तक ट्रायल किया है मेट्रो का और सफलतापूर्वक किया है. और इस रूट में 95% काम पूरा हो चुका है. बचा हुआ 5% काम अगले 1-1.5 महीने में भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हमारे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होने के बाद ये बाकी लोग भी इसको सब लोग समस्त नागरिक उसको यूज़ कर पाएंगे, उसका आनंद उठा पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे. प्रोबेबली ये काम 2000 दिसंबर की तारीख में पूरा होना चाहिए था. ऐसे पिछले कॉन्फ्रेंस में भी आपने कहा था, मगर ये हो नहीं पाया. इससे कुछ हुआ? बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स का परफॉर्मेंस, गिट्टी की सप्लाई, फ्लड, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं. उसके बावजूद हम लोग आज ये ट्रायल कर पाए और इसका मतलब यह है कि ट्रैक का काम और ट्रेन का काम और सिग्नलिंग और OHE बिजली का जो तार होता है उसका काम, वो सब पूरा हो गया है. स्टेशनों के काम जो हैं सिर्फ थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाले हैं. क्या पैसे फिक्स रेट बांट पाएंगे, कब तक पूरा हो पाएगा? जैसा मैंने बताया आपको कि 95% काम पूरा हो गया है, 5% जो काम बचा हुआ है वो अगले 1-1.5 महीने में पूरा हो जाएगा. हाँ. उसके बाद CMRS का सर्टिफिकेशन होता है, वो प्रोसेस है, और उसके बाद फिर हम लोग खोलने के लिए तैयार होंगे. सेक्शन को फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे इसको कैसे खोलना है.